गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर के लॉजिक सर्किट्स यूनिट की ये लास्ट क्लास है। इसमें मैं कुछ बेसिक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर रहा हूँ। हम सबसे पहले कुछ बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व करेंगे। बूलियन एक्सप्रेशंस हमें गिवन होंगे एग्जाम में और हमें हो सकता है उसको सिंप्लीफाई करना हो या प्रूव करना हो। मैंने यहाँ पर तीन प्रॉब्लम्स लिखी हैं, इनको प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। यहाँ पर ध्यान देने की बात है, हम चाहें तो एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस होता है कि हम इनकी ट्रुथ टेबल बना लें और ट्रुथ टेबल से भी हम इनको प्रूव कर सकते हैं। बट एक डिफरेंस आता है कि ट्रुथ टेबल प्रेफरेबल कम है, एग्जामिनर उसमें नंबर कम दे सकता है। हमें बूलियन थ्योरम को यूज करके ही इनको सॉल्व करना चाहिए। तो मैं सबसे पहले यहाँ कुछ सैंपल के वे में मैंने तीन प्रॉब्लम्स ली है। पहले इन तीन प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के हिसाब से देखें। हमारी पहली प्रॉब्लम है AB + AB + BC + BB + C must be equal to B + AC। नॉर्मल सिस्टम होता है किसी आइडेंटिटी को सॉल्व करने के लिए कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको लेके हम सॉल्व करें। यहाँ पे इसका कॉम्प्लेक्स पार्ट लेफ्ट हैंड साइड है, तो मैं LHS को लेता हूँ। अब देखिए LHS के अंदर मैं एक स्टेप आगे चल रहा हूँ कि जहां पर डिस्ट्रीब्यूशन लॉ एप्लीकेबल हो सकता है वहां मैंने उसको अप्लाई कर दिया। देखिए यहाँ पर ए बी ए सी बी बी और बी सी मैंने साथ में दे दिया। अब अपने आप में सिस्टम कहता है बी डॉट बी अपने आप में बी के इक्वल होगा प्लस ये बी के इक्वल होगा। अब अगर मैं आगे चलू इसी तरह से ए बी प्लस ए बी अपने आप में ए बी के इक्वल होगा तो ये मेरे पास बच जाएगा ए बी प्लस ए सी प्लस बी प्लस बी सी। अगर आपको आइडेंटिटी ध्यान हो तो b प्लस बी सी बी के इक्वल होता है। तो अगर ये b के इक्वल है तो यहां से देखें ये बन जाएगा b, ये बन जाएगा ए सी और ये बन जाएगा ए बी। अब इन दोनों को देख लीजिए, रीअरेंज कर रहा हूं ए बी प्लस बी प्लस ए सी। अगेन मैं आइडेंटिटी काम में लेता हूं b प्लस ए बी अपने आप में b के इक्वल होगा तो मेरा एक्सप्रेशन बन जाएगा बी प्लस ए सी। तो कुल मिलाकर जो बूलियन थ्योरम्स हैं उनको हमने यूज करके इसको सॉल्व किया है। एग्जामिनेशन में इस तरह के क्वेश्चन आने की पूरी एक्सपेक्टेशंस रहती हैं। नाउ नेक्स्ट पे आता हूं, दैट इज ए बी बार देखिए नेक्स्ट पे आते हैं ए बी बार सी प्लस बी डी प्लस ए बार बी बार सी इक्वल टू बी बार सी। नेचुरली यहां पर भी हमें लेफ्ट हैंड साइड को ही यूज करना होगा और लेफ्ट हैंड साइड में अगर यूज करते हैं तो आप सबसे पहले देखिए कि मैं पहले इनर ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं। तो ए बी बार सी प्लस ए बी बार बी डी प्लस ए बार बी बार सी। मैंने पहले एक ब्रैकेट को सॉल्व किया है, इस ब्रैकेट में डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई किया ए बी बार सी ए बी बार बी डी और अपने आप में ए बार बी बार और ए सी। अब इसको देखिए बी बार ये क्या होगा जीरो, एंड ऑपरेशन से बी बी बार कितना होगा जीरो। तो ओवरऑल ए बी बी बार बी डी अपने आप में जीरो हो जाएगा क्योंकि अगर किसी भी एंड में एक इनपुट जीरो हो गया तो नेट आउटपुट जीरो होना है, तो ये जीरो हो जाएगा। पर अब इसको हम नेक्स्ट स्टेप में कर देंगे ए बी बार सी प्लस ए बार बी बार और बाहर हमारे पास बचा हुआ है सी। अब हम सॉल्व करने के लिए सी से भी मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये बन जाएगा ए बार सी सी प्लस ए बार बी बार सी। यहां पर आप देख लीजिए सी और सी कितना रह जाएगा सी, तो ये बन जाएगा मेरा ए बार सी प्लस ए बार बी बार सी। इसके अंदर हम कुछ कॉमन ले सकते हैं तो मेरे पास ये बच जाएगा ए प्लस ए बार बी बार सी, क्योंकि ए प्लस ए बार होता है वन, ये बन जाएगा बी बार सी जो कि हमारे राइट हैंड साइड के इक्वल है। हम यहाँ पे भी सिंप्लीफाई कर सकते थे, हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेस हैं कि हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तरह से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन वी शुड ट्राई कि हमें बूलियन एक्सप्रेशन से इसको सॉल्व करना चाहिए।
तीसरी आइडेंटिटी जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो क्वेश्चन है प्रूव दैट एबी इज इक्वल एबी प्लस ए बार सी इज इक्वल टू ए प्लस सी ए बार प्लस बी। अगर हम एलएचएस को लेते हैं तो एलएचएस आ जाएगा एबी प्लस ए बार सी। नाउ क्योंकि इसको कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पर करना है ए बी को मैंने यहाँ पर 1 प्लस सी से और यहाँ ए बार सी को 1 प्लस बी से, क्योंकि 1 प्लस बी 1 होता है और किसी भी आइडेंटिटी में 1 से मल्टीप्लाई करने से फर्क नहीं होता है, इसे 1 प्लस सी और 1 प्लस बी से मल्टीप्लाई किया तो ये बन जाएगा ए बी प्लस ए बी सी प्लस ए बार सी प्लस ए बार बी सी। अब इन दोनों को देखें तो यहाँ पर बी सी कॉमन आ जाएगा और बाकी बच जाएगा ए प्लस ए बार प्लस ए बार सी। ए प्लस ए बार वन होता है तो ये बच जाएगा ए बी प्लस बी सी और यहां बच जाएगा ए बार सी। नाउ हमें इसमें कन्वर्ट करना है इसलिए मैंने ए ए बार से ऐड कर दिया, क्योंकि ए ए बार जीरो होता है, किसी एक्सप्रेशन में जीरो ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो अब इन दोनों के अंदर कुछ कॉमन लेते हैं तो इनमें कॉमन लेने के बच जाएगा ए प्लस सी और यहां पर अगर मैं ए बार कॉमन लूं तो भी ए प्लस सी बनेगा और आप देख लीजिए ये एक्सप्रेशन कन्वर्ट हो जाएगा बी प्लस ए बार जो कि राइट हैंड साइड है। आप देखिए कई बार हम सिंपल साइड को लेके भी कॉम्प्लेक्स साइड की तरफ जा सकते हैं, इसका रेसिप्रोकेट भी सही होगा कि हम कॉम्प्लेक्स साइड से सॉल्व करके लेफ्ट हैंड साइड पे आ सकते हैं, ये दोनों इसके तरीके होंगे। नाउ आगे देखिए इसमें हम डी मॉर्गन थ्योरम से इसको सिंप्लीफाई करेंगे। डी मॉर्गन थ्योरम का है मल्टीपल यूज हो रहा है एक ही क्वेश्चन में, जहां डी मॉर्गन थ्योरम में हम एंड नॉट करके उसको कन्वर्ट कर रहे हैं या और नॉट को कन्वर्ट कर रहे हैं, यहां पर एंड ऑपरेशन भी आ रहा है और ऑपरेशन भी आ रहा है। आप देखिए ए बी क्या है एंड प्लस क्या है और इसको यूज करते हैं। इस सिस्टम ये कहता है कि जो भी हमारा एक्सप्रेशन आ रहा है पहले उसका नॉट करें, यानी ए बार और बी बार दोनों का मैंने नॉट कर दिया, यहाँ एंड आ रहा है उसको कन्वर्ट कर दीजिए और से। नेक्स्ट आ रहा है प्लस, प्लस को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा डॉट से, देन यहाँ फिर इसके बार का बार और यहां पर बी बार का बार, मीन्स पहले मैंने इन्वर्ट किया देन डॉट को किया प्लस से कन्वर्ट। तो आप देखिए ये बन जाएगा ए बार प्लस बी बार डॉट ए प्लस बी। नाउ डिस्ट्रीब्यूशन लॉ अप्लाई करता हूं तो ये आ जाएगा ए बार प्लस ए बार बी प्लस ए बी बार प्लस बी बी बार। ये अपने आप में जीरो है, ये अपने आप में जीरो है, तो मेरे पास नेट एक्सप्रेशन बच जाएगा ए बार बी प्लस ए बी बार जो राइट हैंड साइड के इक्विवेलेंट है। इस प्रॉब्लम में डी मॉर्गन थ्योरम का मल्टीपल यूज हुआ है, सिंगल लेवल पे नहीं करके हमने मल्टीपल यूज किया है। अब नाउ लास्ट टॉपिक पे आता हूँ, लास्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। यहाँ आपको लॉजिक सर्किट दिया हुआ है, लॉजिक सर्किट में दो चीज पूछी जा सकती है कि एक तो ये पूछा जा सकता है एक्सप्रेशन वाई का निकालिए। तो देखिए यहाँ ए बी है तो नेचुरली ये क्या बनेगा ए डॉट बी और ये क्या है सी, ये एक्सर गेट है तो इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा ए डॉट बी एक्सक्लूसिव सी। इट्स मीन ये जो लॉजिक सर्किट है उसका आउटपुट अपने आप में ए डॉट बी एक्सक्लूसिव सी, ये तो इसका एक्सप्रेशन। समटाइम बहुत कॉमन क्वेश्चन है, हर कंपटीशन में पूछा जाता है, कोई ना कोई गेट्स का कॉम्बिनेशन देखे तो एक्सप्रेशन पूछ लिया जाता है या फिर कई बार ट्रुथ टेबल पूछ ली जाती है। तो अगर मैं ट्रुथ टेबल पे बात करता हूँ क्योंकि यहाँ पे थ्री इनपुट्स हैं तो मैं सबसे पहले ए बी सी का कैलकुलेट करूंगा, फिर ए डॉट बी करूंगा और लास्ट में वाई कैलकुलेट करूंगा। अब थ्री इनपुट्स के अंदर पहला इनपुट हो सकता है जीरो जीरो जीरो, वन जीरो जीरो, जीरो वन जीरो, जीरो जीरो वन। आगे कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वन वन जीरो, वन जीरो वन, वन सॉरी जीरो वन वन और लास्ट वन वन वन। कुल मिलाकर हमारे पास एट इनपुट सेट बनते हैं। अब ए डॉट बी लिखना है तो ये जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये आया वन, ये जीरो और ये वन। जहां तक बात ए डॉट बी प्लस सी एक्सक्लूसिव सी है तो ये जीरो हो जाएगा,
ये जीरो हो जाएगा, ये जीरो होगा, यहाँ एक्सक्लूसिव से वन आ गया, ये वन आ गया, ये वन आ गया, ये वन आ गया, ये जीरो, ध्यान रखें एक्सक्लूसिव और है। तो इस तरह से हम एक कोई गिवन जो लॉजिक सर्किट्स है उसका हमने एक्सप्रेशन भी लिखा और उसकी ट्रुथ टेबल भी बना सकते हैं। यहाँ पर ये यूनिट कंप्लीट होती है। मैं बहुत स्पेसिफाई कर रहा हूँ कि लॉजिक सर्किट्स एक ऐसी यूनिट है जहाँ मार्किंग बहुत अच्छी लिबरल रहती है, स्टूडेंट्स इसमें 100% नंबर अचीव कर सकते हैं। इन जनरल इसका जो वेटेज है लास्ट ईयर्स के एक्सपीरियंसेस को अगर देखें तो 10 मार्क्स का वेटेज रहता है। तो अगर हम लॉजिक सर्किट्स को अगर प्रॉपरली, आपने देखा होगा लिमिटेड क्लास है, अगर इन सबको हम ढंग से कर लेते हैं, लिमिटेड प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारे पास ये 10 मार्क्स कहीं नहीं जाने वाले और इन 10 में कोई डिडक्शन भी नहीं होता है। मीन्स कहीं पे भी टीचर किसी लैंग्वेज के नंबर नहीं काटेगा, ये टोटल मैथमेटिकल है। चाहे फिर रिपीट कर रहा हूँ, चाहे गेट्स हो, गेट्स के ट्रुथ टेबल हो, सिंबल हो, नाइंथ गेट, यूनिवर्सल गेट, बुलियन एक्सप्रेशंस हो और उनको सॉल्व करना हो, और बहुत रेयर कंडीशन में डीडीएल डीटीएल लॉजिक यहाँ पूछे जाते हैं, तो इन सबको आपको करना चाहिए और ये हमारे लिए एक अच्छा अचीवमेंट हो सकता है। थैंक यू।